मनीषा जी, इन बहन जी से पूछ लेते हैं। बहन जी, ये रणजीत सिंह का मकान किधर है? कौन सा? हर प्रताप का लड़का? हाँ जी, वो वाला उधर सामने। सामने कहाँ? वो सामने उसी के। वो उधर? भाई साहब, रणजीत बाबू से मिलना है हमें। वो तो बंबई में है जी। बंबई में? हाँ। देखिए, हम लोग लखनऊ से आए हैं, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी था। वो तो है नहीं जी। हाँ, उनके चाचा जी हैं, अगर आप कहो तो मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। बुला दीजिए। आइए, आप बैठिए, आप यहीं बैठिए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, डाक्टर विभाग की सहायता लेते रहना चाहिए। अगर एक चिट्ठी डाल के पता कर लेती तो कम से कम ये कवायद तो नहीं होती। लेकिन उसने तो कहा था कि वो गाँव में ही रहेगा। कन्फर्म करने में क्या हर्ज था? तुम बहुत इंपेशेंट हो अनवर। बैठो बैठो। अरे रंजीत नहीं है तो क्या हुआ, उसका चाचा तो है। मैं तो पिछले इतवार से ही तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। मनीषा नाम है ना तुम्हारा? जी। हाँ, रंजीत मुझे सब बता के गया था। कह रहा था बड़ी पढ़ाकू है, सबसे ज्यादा नंबर आते हैं क्लास में उसके, और मेहनती भी बहुत है। सहयोग नाम है ना तुम्हारी संस्था का? जी हाँ चाचा जी, आपको तो सब कुछ मालूम है। तुम्हें कुछ रिसर्च विसर्च भी करनी है ना इस गांव में रह के। बिल्कुल ठीक कहा आपने चाचा जी, ये अनवर है, हमारी संस्था में ही मेरे सहयोगी हैं। ये भी रहेंगे तुम्हारे साथ? नहीं चाचा जी, अपन तो बस इन्हें यहाँ पहुँचाने आए हैं। पर बेटा, दो चार दिन तो रहोगे ना? हाँ, दो चार दिन तो जरूर रुकूंगा। अब आया हूँ तो इनका काम जमवा के जाऊंगा चाचा जी। बात यह है चाचा जी कि मेरी रिसर्च एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब ये कि जगह जगह गांव में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाते हैं, तो लोगों को मोटिवेट कैसे किया जाए, यानी वो आने लगे पढ़ने के लिए। इसके लिए गांव में किसी जगह हम एक केंद्र खोलना चाहेंगे। मैं लोगों को पढ़ाऊंगी भी और रिसर्च का काम भी करूंगी। ओह, तो ये बात है। जी हाँ चाचा जी, और अगर आप केंद्र खोलने के लिए किसी जगह का बंदोबस्त करा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे, जगह की क्या कमी है, इतना बड़ा घेर है अपना। नहीं चाचा जी, मैं चाहती हूँ कि केंद्र गरीब खेत मजदूरों की बस्ती में ही खुले। गरीब खेत मजदूरों की बस्ती में? चलो, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। अच्छा चलो, पहले अपना कमरा देख लो, रंजीत खुद सब ठीक करके गया है। आ जाओ बेटी। अरे वाह चाचा जी, चारपाई भी है, कुर्सी, मेज, घड़ा भी है, और क्या चाहिए? मुझे पसंद है ना बेटी? बहुत बहुत पसंद। तो ठीक है, शाम को बस्ती में स्कूल की जगह भी तुझे दिखा दूंगा। मनीषा जी, आपके तो मजे आ गए। मगर इतना बता दूं बेटी, यहाँ कोई पढ़ेगा वढ़ेगा नहीं। अरे जो लोग अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल नहीं भेजते, वो खुद क्या पढ़ेंगे? यही तो चुनौती है चाचा जी, ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। जैसी तेरी मर्जी। जगह तो चाचा जी ने बहुत अच्छी दिला दी अंदर। चलो मैं ये ब्लैक रोल टांग देती हूँ। इस पट्टी पर होती थी चौधरियों की दावतें, और अब होगी पढ़ाई। क्यों मनीषा जी? हाँ। अरे वाह, आपने तो बड़ी सफाई से चिपका दिया मनीषा जी, थोड़ा ऊपर से और। हाँ, ये गया और क्यों हो गया ना, बढ़िया। चलिए चाचा जी, ये अच्छा हुआ कि केंद्र खुल गया, लगता है काफी लोग आएंगे पढ़ने के लिए। इन गांव वालों की भली चलाई, आए तो आ जाए, ना आए तो ना आए। चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा अब सो जाओ, देखेंगे कल।
आइए। नमस्ते। 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 देखिए, आज से आप सबके लिए गांव में हमने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला है। अच्छा। आप सब लोग रात को 8 बजे जरूर पढ़ने के लिए आना। रात को 8 बजे? हाँ हाँ, रात को 8 बजे। ठीक है। देखिए भाइयों, हम लोगों ने आपके गांव में एक शिक्षा केंद्र खोला है आप ही लोगों के लिए। तो 15 से 35 साल के जितने भी लोग हैं, हम उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। 36 साल का उसे नहीं पढ़ाओगे क्या आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसका भी मन हो वो इस शिक्षा केंद्र में आ सकता है जी। तो आज रात को 8 बजे आप लोग जरूर आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, 8 बजे में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कैसा मेला लगा रखा है? अभी करा था तुम्हारी पढ़ाई लिखाई। चलो अपने अपने काम करो। आए पढ़ाई लिखाई करने वाले। 9 बज गए। जी नहीं, 9:15 बज गए। घड़ी ठीक कर लीजिए आप अपनी। समझ में नहीं आता वो लोग आए क्यों नहीं। गांव की हर औरत हर लड़की को मैंने पर्सनली जाके कहा, उसके बावजूद इस गांव के लोग झूठ बहुत बोलते हैं। मतलब? मैं जिससे भी मिला बोला जरूर आएंगे जी, रात को 8 बजे पहुंच जाएंगे। अभी तक तो पहुंचा नहीं कोई भी। कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा होगा। बहन जी, राम राम। राम राम। ये लो बीबी मट्ठा। मैं कितना इंतजार करती रही तुम सबका, क्यों नहीं आई तुम? खाना बनाने में देर हो गई थी जी। तुम क्यों नहीं आई? बहन जी, इसका 10 दिन बाद ब्याह होने वाला है। और तुम क्यों नहीं आई? अजी आदमी नहीं मना कर दई। क्यों? अब जे तो मुझे मालूम नहीं। कह रहा था जब मैं ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो तू क्या करेगी पढ़ लिख के। एक बात और है बहन जी, जब तुम मर्द औरत को एक संग बुलाओ, अब जे बताओ भला ऐसे कोई पढ़ाई हो सके क्या? अच्छा ये बात तो ठीक है, दिन में बुलाऊं तो सब लोग आओ। ये बताओ बहन जी, पढ़ लिख के होगा क्या? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी भी 2 आंखें हैं, तुम्हारी भी 2 आंखें हैं, मेरे 2 कान हैं, तुम्हारे भी हैं। मैं भी औरत हूँ, तुम भी औरत हो, है कि नहीं? हाँ जी। अब ये बताओ, कोई तुम पर जुल्म करेगा तो तुम क्या करोगी? क्या करें बहन जी, हमारी तो मजूरी बड़े बड़े चौधरी मार ही लेते हैं। मेरी मजूरी कोई मार सकता है? नहीं जी। क्यों? बताओ बताओ क्यों? बहन जी तुम तो पढ़ी लिखी हो इसीलिए। अबे कर लो, चल खेतों में पानी लगा चल के। अबे देख क्या रहा खड़ा खड़ा। अरे फिर क्या हुआ? अरे होने क्या था, साले की टांग पकड़ी और 6 चक्कर हवा में लगा के ठेर से मारा जमीन पे। फिर नहीं उठा वो। अरे ऐसे नहीं है रुतबा हमारा। बात तो ठीक है। नमस्कार मन्ना सिंह जी। आओ भैया, राम राम। एक तरफ हो जा भाई, आओ जी बैठो। मन्ना सिंह जी, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया था। बाबू सेहत से भी बस तुम बातें करने लायक ही हो, कोई कुश्ती कबड्डी के लायक तो हो नहीं। खैर बोलो। देखिए मैं इसलिए आया था कि गांव में लोग बहुत मानते हैं आपको, बहुत इज्जत है आपकी यहाँ। अरे बात तो बोलो। हम ये चाह रहे थे कि आप गांव के लोगों को समझाएं कि वो लोग रात को आया करें केंद्र पर पढ़ने के लिए। बाबू कपड़े लगते बोल चाल से तो तुम समझदार से मालूम पड़ रहे हो। अब तुम्हारी उम्र हमसे मजाक करने की नहीं है। नहीं देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई से ही तो आदमी आगे बढ़ेगा। होगा क्या पढ़ाई लिखाई से है? और करेंगे क्या पढ़ लिख के है? कोई फायदा तो हो? अरे पढ़ गए तो भी वही काम, नहीं पढ़े तो भी वही काम। बाबू यहाँ नहीं है किसी को भी जरूरत पढ़ने लिखने की। बाजुओं में दम होना चाहिए, बस दम। क्यों भाई? वे तू ओए राम, ओए इधर आ। बाबू पूरे गांव में सबसे बढ़िया आदमी है पढ़ने लिखने लायक। हाँ इसे अपने साथ ले जाओ और खूब पढ़ाओ खूब। नाम क्या है आपका?
एहतराम नाम है इसका, बोल नहीं सकता गूंगा है। बाबू ले जाओ, तासा बहुत बढ़िया बजाता है। हाँ पढ़ लिख गया तो भाषण भी खूब जाड़ा करेगा। ले जाओ ले जाओ। पढ़ेंगे आप? सेंटर गोले। बहुत अच्छा हेतु, तुम जुबान से गूंगे सही लेकिन दिमाग से गूंगे नहीं हो। उन लोगों से बहुत अच्छे हो जो दिमाग से भी गूंगे हैं। रात को 8 बजे अपने साथियों के साथ केंद्र पर पहुंच जाना, ठीक है? आओ आओ हेतु आओ, आ जाओ बैठ जाओ, बैठो। ये मनीषा जी हैं, यही पढ़ाएंगे आपको। अच्छा इन्हीं के बारे में कह रहे थे ना तुम? हाँ, और लोग भी आने वाले हैं ना? कोई बात नहीं, हेतु तो है, पढ़ाई शुरू करें। अच्छा देखो हेतु, लगा हुआ है अंगूठा और लिखा है नाम, यानी कहा गया है नाम लिखने के लिए और लगा दिया अंगूठा। अब देखो इस अंगूठा लगाने के पीछे क्या कहानी है। यह है महाजन, गरीब मजदूर ने महाजन से 100 रुपया कर्जा लिया, महाजन ने अंगूठा लगवा लिया और एक बिंदी बढ़ा दी, यानी कर दिए 100 के 1000। अब आई समझ में? इसीलिए कहती हूँ हेतु, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ इन गांव वालों के नसीब ही खोटे हैं, ये बेचारे तो उन्हें पढ़ाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे और वो हंसी मस्करी करते। भाई जी आप बोलो तो कल से ही गांव भर का आदमी स्कूल पे नजर आएगा और जो नहीं जाएगा साले के जूते मारूंगा जूते। नहीं नहीं चौधरी साहब, वो लोग आए तो अपनी मर्जी से आए, जूतों के डर से ना आए। अजी जूतों के बिना तो यहाँ कोई काम करता ही नहीं है, और आप क्या समझती हैं इनके पास अकल है? अकल तो हर आदमी के पास होती है चौधरी साहब। यही तो भूल है आपकी, थोड़ा सा पड़ गए तो अपने काम से भी जाएंगे। अरे करनी तो मजबूरी है, और फिर वो कहावत है इसका काम उसी को भावे, दूजा करे तो डंडा खावे। नहीं नहीं ये बात नहीं है चौधरी साहब, पढ़ा लिखा आदमी कभी ठोकर नहीं खा सकता। पढ़ाई का तो मतलब ही होता है कि ज्ञान, जानकारी, हिम्मत। ठीक है भाई जैसी मर्जी आपकी, अब अपना तरीका तो आप लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। भाई जी आप ही बोलिए, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा चाची साहब चलो, चाचा जी चलो बेटी। अच्छा जी, मुझे लगता है ये केंद्र अब आपको बंद कर देना चाहिए। ये काम तुम जितना आसान समझ रहे हो ना अनवर, उतना आसान नहीं है। आओ आओ हरिराम भाई आओ। राम राम भूमि। बैठो भाई, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी आएंगे आज, क्या हुआ उसका? अजी वहाँ ताश पत्ते हो रहे हैं। वो तो कहते हैं वहाँ जाने से होगा क्या, लड्डू तो मिलना जाएंगे। हरिराम भाई रात स्कूल का मतलब सिर्फ पढ़ाई तो नहीं है, यहाँ बैठकर हम दुनिया जहान की चर्चा कर सकते हैं, किसी भी समस्या पर बात कर सकते हैं, अपने और अपने समाज को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। दीदी ये तो आप ठीक कह रही हैं, पर उन्हें समझाए कौन? उन्हें समझाने कोई बाहर से तो आएगा नहीं हरिराम भाई, ये काम हमारा तुम्हारा ही है। अच्छा चलो अब पढ़ाई शुरू करें। हाँ, अपनी अपनी किताबें निकालो। अच्छा मनीषा जी मैं तो चलता हूँ। तुम जा रहे हो अनवर? हाँ अब जाना तो है ही। अच्छा मेरी एक हेल्प कर दोगे? हाँ हाँ बोलिए क्यों नहीं। मेरा सामान भी पैक करवा दो। क्या? अरे भाई मेरा सामान भी पैक करवा दो। वाह ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया मनीषा जी, लगता है आपकी समझ में ये बात आ गई है कि इन तीनों में तेल नहीं। हम तो खामखा आपको गलत समझ रहे थे,
लगा के आप समझदार भी हैं। देर आए दुरुस्त आए तो वही बात हो गई ना। अरे ये क्या, मैं तो समझता था सिर्फ अनवर मियां ही वापस जा रहे हैं। आप ठीक समझते थे चाचा जी, अनवर मियां ही वापस जा रहे हैं। क्या मतलब? तो फिर तुम अपना सामान क्यों बांध रही हो बेटी? बात यह है चाचा जी कि बस्ती के लोग मुझे अपने बीच का इंसान नहीं समझते। वो लोग समझते हैं कि मैं चौधरियों के परिवार का ही एक अंग हूँ, इसलिए उनके हितों की रक्षा मैं नहीं कर सकती। जब तक मैं यहाँ रहूंगी वो लोग मुझसे नहीं जुड़ पाएंगे, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है केंद्र वाले कमरे में जाकर ही रहूँ। अरे तू वहाँ रह पाएगी? और लोग भी तो रहते हैं चाचा जी, आप चिंता ना करें, अनवर शिफ्टिंग में मेरी मदद कर देंगे। तू भी गजब की लड़की है मनीषा। लीजिए मनीषा जी, ये कमरा तो हो गया तैयार। थैंक यू वेरी मच अनवर। कोई और काम हो तो बताइए। नहीं बस थैंक यू। ठीक है चलता हूँ मैं फिर। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय। एक मिनट अनवर, ये लिफाफा वरुण को दे देना और लिटरेसी मिशन का लिटरेचर पोस्ट करा देना प्लीज। ठीक है। सोनू की माँ अभी आई। राम राम मास्टर ने। राम राम। आओ बैठो। अरे यहाँ बैठो। ठीक है यही ठीक। हाँ बोलो। ये चिट्ठी आई है, पढ़ के बताइए जरा। दो बारी पहले भी आई ऐसी चिट्ठी, चौधरी साहब को दिखाई सोनू के बापू ने, तो बोले नसबंदी के लिए बुलाया, सो इनने तो फाड़ दी। लेकिन ये नसबंदी के बारे में नहीं है। तो काय बारे में? नोटिस आया है। नोटिस? कचहरी से चिट्ठी आई है कि पट्टे वाली जिस जमीन पर तुमने अपना हक दर्ज कराया था उसके कागज जल्दी दाखिल करो। ये बात तो कुछ समझ में ना आई जी। मतलब ये सरकारी कानून है। अच्छा। जिसके पास ज्यादा जमीन होती है सरकार उससे जमीन ले लेती है और दूसरे आदमियों में बांट देती है। क्या मतलब? तुम्हारे आदमी ने इस बारे में कभी कोई बयान दिया था? हाँ जी दिया तो था। तो सुनो, तुम्हारे आदमी को उस जमीन पर मालिकाना हक मिल सकता है। अच्छा? उसी की है ये चिट्ठी, अपने आदमी को मेरे पास भेजना और इसे फाड़कर मत फेंकना। ठीक है जी। और सुनो, चौधरी साहब को इस बारे में भनक ना पड़े। ठीक है, ये लो। अच्छा बापू, आप कहाँ सो रही है? और आ गई है क्या? अरे ये जमीन हमारी हो जाएगी। जमीन? कौन सी जमीन? मास्टर ने पढ़ के बताई है। पता है क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? वो तालाब किनारे वाला 6 बीघे वाला खेत है ना? हाँ हाँ, वो मन्ना चौधरी वाला खेत। हाँ हाँ, वो ही वो हमारा हो जाएगा सोनू के बापू, हमारा। क्या बक रही है तू? मेरी तो कुछ समझ में ना आया। मास्टर नहीं कह रही थी, चिट्ठी कचहरी से आई है, साफ साफ लिखा है इसमें जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। अब समझ में आई कि ना? नहीं दिखाइयो, ऐसी चिट्ठी तो मेरे पास भी आई है, श्यामलाल जी के पास भी आई है, बहुतों के पास आई है चिट्ठी तो। अरे तो आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ मास्टरनी के पास, वो ही समझाएगी तुम्हें। चलो भैया शुक्रिया, चलो। मास्टरनी जी अब तो
अब तो सब इकट्ठे हो गए, अब बताओ हमें करना क्या पड़ेगा। देखिए ये तीसरा और आखिरी नोटिस है और कागजात जमा कराने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। बस 3 दिन? ये 3 दिन में हमसे तो होगा नहीं ये काम। अगर 3 दिन में कागजात जमा नहीं कराए गए तो आप सबके केस खारिज हो जाएंगे। वकील तो बहुत पैसा ले लेगा जी। कागज जमा कराने में पैसे वैसे की जरूरत नहीं होती। तो मास्टरनी जी आप ही करा दो हमारा ये काम। ये तो बहुत बुरा हो रहा है मन्ना सिंह, मेरी सोने से भी महंगी जमीन इन भूखे नंगों में बट रही है। अरे चोर साहब चिंता क्यों कर रहे हो, बैठो आ बैठो। क्या बैठे चोर साहब, कोई गुड़िया गुड्डे का खेल है क्या है? खून की नदियां बह जाएंगी चोर साहब, खून की नदियां। अबे कागज पर तो उनकी हो जाएगी, उसके बाद तू सारी दुनिया को मार भी दे तो उससे क्या होता है। चौधरी साहब 100 बातों की एक बात है। तू भी बोल। मास्टरनी गांव से निकल जाएगी तो क्या कर लेंगे वो लोग। हाँ बात तो सही है, जब कागज ही ना दाखिल हो पाएंगे तो फिर होगा क्या। अजी मास्टरनी नहीं कराएगी तो वो कोई वकील करा लेंगे। वकील तो मुंह फाड़ कर पैसा मांगेगा सर। तो और मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन वो भाई साहब को लेकर बैठक पर आई थी कि कुछ अशुभ होने वाला है। मेरी तो अब कुछ समझ में आ नहीं रहा कि मैं करूं क्या। चौधरी साहब कुछ अशुभ नहीं होगा, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। सुन उसके बाद तो मैं सब सुलट लूंगा। तो फिर तेरी काहे की, चले चलो चल बे सत्तो। आप भी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। एक मिनट में निकाल के रख दूंगा उस मास्टरनी की बच्ची को। कौन है वे? तेरा बाप। आराम ज्यादा चुपचाप सो जा। आपने भली चिंता करी, अभी देखो जरा। रामू रामू कौन है? मास्टरनी दरवाजा खोल। मास्टरनी अपना भला चाहती है तो फटाफट अपना सामान बांध ले। सामान? कैसा सामान? सामान बांध और जल्दी कर जल्दी। आखिर बात क्या है? बात यह है कि तू हम लोगों के पेट पर लात मार रही है और जो हमारे पेट पर लात मारता है उसे हम कहीं का नहीं छोड़ते, समझी? तुम लोग जमीन वाली बात तो नहीं कर रहे? अब ज्यादा बातें मत बना, जल्दी से अपना सामान बांध ले, हम तुझे शहर तक छोड़ आएंगे। लेकिन मैं जाऊँ क्यों? तो ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है मैं अपना सामान बांध लेती हूँ और चली भी जाऊंगी, लेकिन शायद आप लोगों को एक बात नहीं मालूम। एक बात? कौन सी बात? गांव में जो भी कुछ होता है उसकी रिपोर्ट मैं अपने ऑफिस भेजती हूँ और आज ही मैंने पट्टे वाली जमीन के बारे में भी लिखकर भेज दिया है। ऐसी की तैसी तेरी रिपोर्ट की, अभी बता दो तेरी रिपोर्ट के बारे में। तू तो बहुत नालायक है मुन्ना सिंह, है एक शरीफ औरत से बात करने का तरीका नहीं आता तेरे को, चल निकल यहाँ से बदतमीज नालायक। मनीषा जी अपने कुत्ते और अपने आदमी बहुत संभाल कर रखने पड़ते हैं मुझे, कभी कभी चंदी छुड़ा कर भाग जाते हैं तो सामने वाले को फपेड़ के रख देते हैं। खैर अब तो आप इत्मीनान से सो जाओ। क्या गलत किया जी मैंने? अबे जमीन तो हाथ से जा ही रही है, अब जेल की हवा खाने का भी इरादा है क्या तेरा? जेल की हवा? इंतजाम अब दूसरा ही करना पड़ेगा। सांप तो मारना ही है पर लाठी नहीं तोड़नी है मन्ना सिंह। चलो चलो। मास्टरनी जी सब ठीक ठाक तो है ना? देखिए आप सबके कागजात लेकर मुझे अभी शहर जाना होगा। अभी रात में?
पर इस वक्त तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी जी। हम लोग कोई ट्रक या ट्रैक्टर ले लेंगे। सुखिया और श्यामलाल मेरे साथ चलेंगे, कागजात जमा करके कल शाम की बस से हम लोग वापस आ जाएंगे। चिंता मत करो मास्टरनी जी, सारी बस्ती आपके साथ है, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये काम किसी भी हालत में नहीं हो सकता था। श्यामलाल, अगर हम होते और पढ़े लिखे ना होते तब क्या ये काम हो जाता? मास्टरनी जी, आपके पीछे हम सब जनों ने एक फैसला किया है। फैसला? हाँ जी, ये तो आपको केंद्र पे ही जाके पता चलेगा जी। तो चले।